नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं आज मेरठ के फायर ब्रांड नेता कमल दत्त शर्मा जी, और जो मेरठ शहर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जनता दरबार भी लगाते हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर बनेंगे, लगातार बनेंगे, जब तक आदरणीय मोदी जी चाहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता का प्यार उनके साथ है। ये जो इंडिया नामक बनाया गठबंधन, इसमें क्या जनता होगा? इस गठबंधन के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपने देखा था सरकार बनाने के लिए गठबंधन तो बहुत होता है, लेकिन मोदी जी ना बने इसलिए गठबंधन होगा। जो लोग एक दूसरे की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे, आज वो एक साथ बैठे मोदी जी के डर से कि जाने क्यों नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, उनके विचार नहीं मिलते आपस में। उन्हें मोदी जी का डर है कि जनता के द्वारा जो उनको प्यार दिया जाएगा वो लगातार बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। और देखिए, हमारे देश के लिए मोदी जी एक वरदान के रूप में है। हमारे देश, जब से मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप देखिए हमारे देश का इतना मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ गया। हमारा देश अर्थव्यवस्था की 5वें नंबर पर है और जल्दी 3रे नंबर पर। हमारे पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब उन लोगों का पूरे देश विदेश में सम्मान है। और देखिए, हमें ये कहा जाता है, मैं भाजपा का अधिकारी हूँ, सांप्रदायिक, सबसे बड़े सांप्रदायिक वो हैं जो हमें सांप्रदायिक, हमारा किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है हमारे लिए। हमारी लड़ाई जो है वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी मुस्लिम भी हमारा है और राष्ट्र विरोधी हिंदू भी हमारा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कि हम मिशन के कार्यकर्ता हैं और हमें इस देश के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगानी है, ये हमारा मिशन है। सरकार लाना हमारा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि हमारे देश में अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगह। इसके लिए हमें कई बार इंडिया जैसे लोगों की सरकार या कोई भी लोगों की तरफ पकड़ नहीं पाई, पहले हमारा देश। और मोदी जी ने ये करके दिखाया, इसीलिए जनता का प्यार मोदी जी को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।